ऋषभ सर, बैथल मिशन स्कूल गोड्डा से। आज मैं आप लोग के लिए फिर एक नया लेसन लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोग को गिटार में फिंगर एक्सरसाइज का एक नया लेसन बताने वाला हूँ। तो चलिए सीखते हैं आज का लेसन क्या है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट फ्रेट का थर्ड स्ट्रिंग, ठीक है। हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों स्ट्रिंग को हम लोग यूज करेंगे इस लेसन में। तो सबसे पहले देखिए कि फर्स्ट फ्रेट का जो है थर्ड लेसन, यदि हम थर्ड लेसन को दबाए हैं तो थर्ड लेसन का जो है मतलब थर्ड स्ट्रिंग को जो दबाए हैं तो थर्ड स्ट्रिंग को दबाए तो थर्ड स्ट्रिंग को ही हम लोग प्ले करेंगे, ठीक है। जिस स्ट्रिंग को दबाते हैं उस स्ट्रिंग को ही हम लोग प्ले करते हैं ना। जैसे देखिए थर्ड स्ट्रिंग को दबाए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये जो है थर्ड को, तो थर्ड को ही हम लोग प्ले करते हैं, देखिए, ठीक है। इसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग जो देख रहे हैं तो सेकेंड स्ट्रिंग का ये दूसरा वाला जो देख रहे हैं, ठीक है, दूसरा फ्रेट का, सेकंड फ्रेट का दूसरा स्ट्रिंग, ठीक है, इसको हम लोग रिंग फिंगर से प्ले कर रहे हैं, देखिए, ठीक है, इसको यदि आपको इसमें प्रॉब्लम होगी तो आप देख सकते हैं इसको फर्स्ट थर्ड स्ट्रिंग का जो देख रहे हैं ये, इसको ये ले लीजिए, है ना, और फिर इसको यूज कीजिए और फिर इसको यूज कीजिए नीचे वाले, तो ये देखिए, है ना, थर्ड स्ट्रिंग में आपका हो गया थर्ड स्ट्रिंग, फर्स्ट फ्रेट का थर्ड स्ट्रिंग पर इंडेक्स फिंगर से, और उसके बाद सेकंड फ्रेट का आपका हो गया सेकंड स्ट्रिंग मिडिल फिंगर से, और फिर फर्स्ट फ्रेट का फर्स्ट स्ट्रिंग को फिर फर्स्ट फिंगर से। तो फिर से देखिए 1 2 4 1 2, हम लोग चार स्ट्रोक का यूज कर रहे हैं, 1 2 3 4, फिर से देखिए 1 2 3, फिर वापस 4, थर्ड स्ट्रिंग का, है ना, फर्स्ट फ्रेट का थर्ड स्ट्रिंग को इंडेक्स फिंगर से, फिर सेकंड फ्रेट का आपका सेकंड स्ट्रिंग को हम लोग फिर जो है मिडिल फिंगर से, और फिर फर्स्ट फ्रेट का फर्स्ट स्ट्रिंग को फिर हम लोग इंडेक्स फिंगर से यूज किए, थर्ड हो गया, फिर आपका फिर सेकंड फ्रेट का सेकंड स्ट्रिंग को फिर इससे की, है ना, तो ये हो गया 4 स्ट्रोक 1 1 2 3 4, ठीक है। फिर से देखिए 1 2 3 4, इसको 2 टाइम्स हम लोग प्ले करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका हम लोग को फिर आगे बढ़ना है, यहां से बाद दूसरे वाले में जाएगा, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 2 times, फिर आगे आ जाइए 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर इसके आगे आगे 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर एक आगे 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर एक आगे 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर आगे 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर आगे 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर आगे 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर एक आगे 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहां से हम लोग बैक जाएंगे, ठीक है, तो 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, यहां से फिर इधर आएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 1 बैक 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 1 बैक 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 1 बैक 1 2 3 4 1 2 3 4, 1 बैक 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 1, है ना, बैक 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 1 बैक 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 1 बैक 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 1 बैक 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। अब इसको जितना भी प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका फिंगर फ्री होगा, और सॉन्ग बजाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आपका फिंगर जितना फ्री रहेगा तो उस ढंग से आपका सॉन्ग प्ले होगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही कर सकते हैं कि अच्छा है, और आप लोग इसको मन लगाकर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा।